ये ऐसे म्यूजिक मारती है। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस द नेक्स्ट स्टेज व्लॉग। और आज हम फिर से जा रहे हैं अपनी एक छोटी सी राइड पे, क्योंकि न्यू कैसोन का एक्शन कैमरा लिया, उसको टेस्ट अभी तक नहीं किया व्लॉगिंग के लिए। तो आज छोटी सी राइड है, मतलब तो जाना तो बहुत दूर है, तकरीबन 50 किलोमीटर, बट कैमरा यूज़ करूँगा मैं 10 किलोमीटर तक, क्योंकि जल्दी पहुँचना थोड़ा लेट होगा। और पहले भी चेक करने के लिए मैंने सेटअप लगाया था, बट उसमें चेक नहीं हो पाया था क्योंकि ना अपनी बाइक मिसिंग मार रही थी, फ्यूल पंप खराब हो गया था। तो मैंने वो वीडियो पड़ी है मेरे पास, डाल दूंगा मैं ब्लॉग में। तो आज पूरा प्रॉपर तरीके से, बाइक भी ठीक है अपनी, सब कुछ ठीक है, तो आज व्लॉग सेटअप किया है, छोटी सी वीडियो डालेंगे 10-15 मिनट की, 10 मिनट भी ज़्यादा है, 5-6 मिनट की वीडियो डाली है ये वीडियो। तो आप इसको अच्छे से एंजॉय करो और ये रिएक्शन भी एंजॉय करो। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम जानबूझ के लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सामने से रिएक्शन दे रहा है तो उसको कैप्चर करना ज़रूरी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और आपकी मेहरबानी से मेरे 700 सब्सक्राइबर हो चुके हैं गाइस, थोड़ा सा प्यार और बरसाओ, 1000 सब्सक्राइबर करवा दो जल्दी जल्दी, ताकि मैं और अपनी वीडियो में इम्प्रूवमेंट करूं। देखो 500 कराए थे तो मैं कैमरा ले आया था, मैंने बोला था कि 500 करा दो कि मैं कैमरा ले आऊँगा, और मैं ले आया। ठीक है गाइस, अभी करना वीडियो को एंजॉय, मेन रोड पे जा रहे हैं, भगाएंगे अपनी KTM अच्छे से। करो इस राइड को एंजॉय। मैं थोड़ा इसलिए चुप हो गया था क्योंकि धूल मिट्टी घुस गई थी मुंह के अंदर, खांसी आ रही थी, तो इससे मैंने थोड़ी वीडियो म्यूट कर दी थी। तो कंटिन्यू करते रहे अपनी, राइड एंजॉय करना गाइस, अच्छी लगी तो बताना, फिर मैं डेली व्लॉग डालने लगूंगा अपनी बाइक के। स्पीड ब्रेकर्स पे आराम से निकाला करो गाइस, क्योंकि जंप लगती है ना तो सब कुछ हिल जाता है। अपने भी 2-3 जगह कैमरे हिले हैं, बट ठीक है, रिएक्शन बहुत तगड़ा था गाइस, जो शुरू शुरू में मिला बढ़िया, बंद डेली हट के पास आ चुके हैं। बाइक पकाने में बहुत ही मजा आता है, लेकिन गाइस मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ हर वीडियो में कि बाइक जब पकाना, जब आपके हाथ में पूरी तरह से बैठे और आपको आइडिया हो गए बाइक कैसे होती है। गाइस म्यूजिक का एंजॉय, म्यूजिक का लुत्फ उठाओ और मैं मिलता हूँ सीधा अपनी वीडियो कंप्लीट करके।
झगड़ा हो गया था। रुक जाते हैं, रेड लाइट हो गई है। वीडियो की क्वालिटी बताना गाइस कैसी है, कैसी नहीं, ठीक है? देखो 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 देखो, ग्रीन सिग्नल नहीं है और फिर भी देखो कैसे निकल रहे लोग। यही इस गोला का रॉन्ग नंबर है और यही एक्सीडेंट करवाता है और जाम लगवाता है। अरे जोमेटो वाले भैया हमारे, ये भी निकलने की ताड़ में नहीं, इन्होंने न्यूट्रल करके खड़ी कर दी जैसा अपन ने खड़ी कर रखी है। जान पहचान वाले गाइस, जब केटीएम भगती है ना तो बड़ा ही मजा आता है इसे भगाने में। और इस पे ना कोई जो बंदा ये बोलता है आरसी पे कटिंग नहीं लगती, मेरी तो बड़ी प्यारी कटिंग लगती है। थोड़ी सी भगाएंगे उसके बाद फिर एक और आ जाएगी भाई। यामाहा R1 वर्जन 2 भाई लेके निकल गई। देखो जा रही और अपन जाना होना सबसे आगे अपन को। ये हवा बाजी पूरी पूरी हवा बाजी है क्योंकि लड़की बैठी उसके पीछे। नॉनसेंस वाली बात नहीं करते अपन क्योंकि भाई लड़कियों को छेड़ना नहीं चाहिए। साली 76 लगवा देती हूँ अपन, बिना छेड़े ही काम चलाओ, बिना छेड़े ही काम चलाओ। छेड़ना तो चाहिए ही नहीं भाई, कौन कह रहा लड़की छेड़नी चाहिए, छेड़नी अच्छी बात है। गलत बात कमेंट में कोई ऐसा नहीं कहेगा, मेरी पुरानी बातें कोई नहीं दोहराएगा, ठीक है? तो देखो यहाँ पर ऐसा जाम लगता है, देखो अंधा धुन घुसे चले आते लोग, अंधा धुन घुसते लोग। क्योंकि चोट खा के गिरने से बाइक तोड़वाने से अच्छा चलान भर दो। तो एक जगह तो इसके लेना ही पड़ेगा, बाकी तो सब ठीक ही है। चला अगर तुम बाइक राइड करते हो तो इतने परफेक्ट तो हो गए,
इतने परफेक्ट तो हो ही जाते हैं सब। चौदह मिनट से फंसे हुए अपन रोड पे। ये रिक्शे वाली मैडम लुक्स देती हुई, ए ए ए फोन में लुक्स, अब ऊपर लुक्स देगी देखना। ए ए ए ए ए ए ए क्या पता अपने चैनल सब्सक्राइब कर रही हो। तो गाइस चलो यहीं तक, ये थी ये वीडियो टेस्टिंग। क्वालिटी कैमरे की कैसी लगी हो बताना, मैं इसकी अनबॉक्सिंग डालूंगा बहुत जल्दी अपने चैनल पे। और इस भाई को निकलने देते हैं, अनबॉक्सिंग डालने के बाद बताना मुझे कैसी क्वालिटी है, पसंद आई नहीं आई। और वीडियो को करते हैं यही एंड। द नेक्स्ट स्टेज व्लॉग आपका।